बात करेंगे शिवसेना के जन आशीर्वाद यात्रा की, जिसके चलते शिवसेना के युवा प्रमुख आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं और लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी कड़ी में युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ठाणे जिले में स्थित अंबरनाथ के फॉरेस्ट नाके पर जब पहुंचे तो वहां पर शिव सैनिकों ने बड़े भव्य तरीके से उनका स्वागत किया। इसमें खास बात यह रही कि कोई जाति धर्म ना मानते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में आगे आए। आपको बता दें कि शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से शुरू की। तकरीबन 5,500 किलोमीटर यात्रा पूरी करने के बाद आदित्य ठाकरे अंबरनाथ के फॉरेस्ट नाका पहुंचे। अंबरनाथ पूर्व के शिवाजी चौक परिसर में एक बड़ी संख्या में मौजूद शिव सैनिकों को आदित्य ठाकरे ने संबोधित किया। साथ ही साथ अंबरनाथ की जनता से आदित्य ठाकरे ने कहा कि जिन्होंने शिवसेना को वोट दिया है और जिन्होंने शिवसेना को वोट नहीं दिया है, मैं सभी का आशीर्वाद लेने यहाँ आया हूँ। इसके साथ ही उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 में स्थित हीरा घाट परिसर पहुंचकर आदित्य ठाकरे ने गौशाला में गायों को चारा खिलाया और शांतिनगर में एक जनसभा को भी संबोधित किया। अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे बड़े ही उत्साह के साथ जन आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में पहुंची शिवसेना की जन आशीर्वाद यात्रा और अब ये समापन की ओर अग्रसर है। ठाणे जिले में स्थित अंबरनाथ का पूरा नजारा है जहां पर शिव सैनिकों का हुजूम उमड़ पड़ा। आठवण एक करून देत होतो, इथे आपण भूमिपूजनासाठी आलेलो, हा रस्ता आपण करून दिला, इथे कॉन्क्रिटीकरण आपण केलं, हे काम आपण केलं, हे उद्यान आपण केलं आणि त्याच अंबरनाथ मध्ये आज यात्रा घेऊन येत असताना मला आनंद होतोय। कामं सगळीकडे जोरात चालू आहेत, रस्त्याची कामं असतील, उद्यानांची कामं असतील, विकासाची कामं असतील आणि विकासाची गंगा पुन्हा एकदा अंबरनाथमध्ये आपल्याला अशीच आणायची आहे आणि ह्याच्यासाठी तुमचे आशीर्वाद मागायला मी आलेलो आहे। काल ठाण्यात असताना पण मी हेच सांगत होतो, एक ठाणे आणि शिवसेनेचं नातं हे खूप वेगळं आहे। शिवसेनेचं ठाणे आणि ठाण्याची शिवसेना हे नातं आहे, मला वाटतं कितीतरी वर्ष चालू आहे आणि ठाणा पॅटर्न जे विकासाचं पॅटर्न आहे ते आपल्याला पूर्ण महाराष्ट्रभरात न्यायचं, म्हणून मी तुमचे आशीर्वाद मागत आहे। अंबरनाथने होऊन गेलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत खूप प्रेम दिलं, आशीर्वाद दिले, मतं देखील केले, मतदान झालं आपल्यासाठी आणि म्हणूनच ही यात्रा आम्ही साधारण जूनपासून इथे यायला, मला आता अर्थात सप्टेंबर उजाडला पण महाराष्ट्रभरात फिरत असताना मी प्रत्येक ठिकाणी हेच सांगतोय, जिथे जिथे आपल्याला मतदान झालं आहे, युतीला मतदान झालं असेल, देश भगवा ज्याच्यामुळे झाला, महाराष्ट्र भगवा झाला, त्या सर्वांचेच आभार मानायलाही मी जन आशीर्वाद यात्रा घेतली आणि प्रत्येक गल्लीत जातोय, प्रत्येक जिल्ह्यात जातोय, प्रत्येक तालुक्यात जातोय, कारण प्रत्येक गल्लीत शिवसैनिक आहे, शिवसेनेचा मतदार आहे, शिवसेना प्रेमी आहे, त्या सर्वांचे आभार मानायला मी ही जन आशीर्वाद यात्रा घेतली।